ये बेसिकली कल के इवेंट के बारे में है जो हमने डल लेक के किनारे फिर से पुरानी यादों को जिंदा किया। यहाँ की कश्मीरियत में जो सूफीज्म, शिविज्म और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें एक दूसरे के साथ मिलाती थी, उसका एक छोटा सा प्रयास था, एक शुरुआत थी कि हम उस लॉस्ट कल्चर को फिर से रिवाइव करें और यहाँ पर खुशियों का माहौल फिर से पैदा करें। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हैं जो हमें दिखती हैं ग्राउंड पे, लेकिन इसको फिर से सांस्कृतिक दृष्टि से भी देख के आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक एक छोटा सा प्रयास था जो सफा हर दृष्टि से देखा जाए। लेकिन एक कमी कल रह गई, कल यहाँ पर बहुत सारी लॉस ऑफ लाइव्स हो गई एंड देट वॉज इफेक्टिंग इट ए बिट बट नॉट एंटायरली। लोग अब तैयार है आगे आने के लिए, राष्ट्र के साथ मिलने के लिए, राष्ट्रवाद को पहचानने के लिए। जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरे हैं, वो हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे माध्यम जैसे कल्चरल शोज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और साइंस फीस्ट जो हम आगे करना चाहते हैं उसके माध्यम। पुराने जो हमारे कल्चरल ड्रेसेस थे, बांड पत्र था, नगमे थे, ये सब थे जो हमने बड़े बखूबी से वहां पर पेश किए। लोगों ने इसका बहुत अच्छा आनंद लिया। बदलाव लगा आपको कश्मीर में आया? देखो, जहां पर खुशी है, जहां पर कल्चर को फिर से रिवाइव किया जाए, वो तो बदलाव ही है। आपने देखा रात के 9, 9:30, 10 बजे लोग वहां पर आनंद ले रहे थे। इस बारे हमारी क्विस्ट प्रोडक्शंस है जो आपको पता है, यहां पर कुछ दशक पहले ही फिल्म उद्योग की हर तरह से यहां पर शूटिंग्स होती थी, तो हमने उसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है। कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, साधारण रूप से कल्चर को रिवाइव करना। हाँ, राष्ट्रवाद हमारा प्रथम मुद्दा वो जरूरी था। हमने इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, लगभग 70% आर्टिस्ट जो थे उनको हमने वादी से ही लिया, वो सारे वादी से ही थे और बाकी बाहर से आए थे क्योंकि राष्ट्र का प्रश्न है। हम सब कोई उड़ीसा से आता है, हालांकि इसमें हमने कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स भी लाए थे जिन्होंने 4 चांद लगाए इस कार्यक्रम में। और यहां से हमने सूफी सिंगर जो कि बहुत अब आज सब लोग उनको जान, नूर मोहम्मद, उनके म्यूजिक पे तो वहां पर कुछ शोज है। कल मुझे भी वहां पर कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस टाइप की शिकायत की जैसे आप करते हैं। कोई भी रास्ता ढूंढ के हम ये बात रेलिवेंट अथॉरिटी से पहुंच जा देंगे जहां से इसका कुछ समाधान जरूर होगा, क्योंकि आज का युग आपको पता है कंपटीशन का युग है, सब कुछ दिखता है, आपके ही माध्यम से कोई चीज छुपती नहीं है, तो ऐसी चीजों का हल तो समाधान तो होना ही। आप संस्कृति, कला और ऐसे स्पोर्ट्स, साइंस, इस माध्यम से आप लोगों में आगे आ जाते हैं तो उससे तो प्यार मोहब्बत तो बढ़ता ही बढ़ता है। यहाँ पर हैट्रिड का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, हम यहाँ पर प्यार, प्रेम तथा कला बांटने आए थे। बड़े प्रोग्राम ऐसे मुनक्किद करने का हमें मन में है और क्योंकि हमें इतना रिस्पॉन्स मिला, हम कल बहुत खुश हुए। कुछ खास हमें देखने को मिलेगा उनमें कश्मीर से रिलेटेड ही सारी चीजें होगी। पुरानी हमारी संस्कृति कैसे है उसको देखा जाएगा और खास तौर पर फिल्म जगत से यहाँ पर फिर से शूटिंग से वो पुराना दौर आ जाए, ये हमारा एक और मकसद है। जहाँ सर आपने कहा कि कल का इवेंट आपका कामयाब इवेंट रहा, लेकिन वहीं पे कल यहाँ पे एक झड़प भी चल रही थी, तो किस कदर ये असर अंदाज होती है इन चीजों पे जब ऐसे वाकत पेश आए? गुज़िश्ता कई दशक से, अब तो लगभग 3 दशक से तो ऐसी चीजें होती रही हैं, उग्रवाद तो चलता रहा है, लेकिन कल इससे हमारे प्रोग्राम पे कोई असर हो ऐसा कुछ दिखा नहीं। लोग सब एंजॉय कर रहे थे, इससे कोई असर नहीं हो ना मुस्तकबिल में ऐसा कोई असर होएगा। तो जिस तरह से हमने देखा कि कल काफी कमाल है ये, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जैसे ही प्रोग्रामों का माध्यम होना चाहिए। इसको देख के, कल का प्रोग्राम देख के और सारे लोग बाहर से आने वाले हैं जो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम मुनक्किद करेंगे। ये प्रतिस्पर्धा में हमें खुशी है कि लोग आए, पार्टिसिपेट करें और यहाँ के टैलेंट को आगे बढ़ाए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले आगे बढ़ने का। वी ऑल आर हैप्पी फॉर दिस। मैं कई इंस्टीट्यूशंस को भी मिला यहाँ पे, कईयों की डिमांड थी कि यहाँ पर किसी क्रिकेटर को लाया जाए जिससे कि यहाँ के स्पोर्ट्स जो पसंद करते हैं उनको कोई बल मिले। तो हम इस विषय में अब काम कर रहे हैं और इन नियर फ्यूचर यहाँ पर ऐसे इवेंट्स भी होंगे जिसमें अच्छे अच्छे कद्दावर खिलाड़ी जो है, जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम किया है, वो यहाँ पर आके हमारी रिक्वेस्ट पे आके यहाँ पर यंगस्टर्स से मिलेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे।
हम और इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मकसद राष्ट्रवाद है और यहाँ पर जो काला धोर था जिस से हम सब आप यहाँ गुजरे उसको दूर करने करेंगे और फिर से एक नए सूर्य का उदय होगा। जैसे हमने देखा कि कल का प्रोग्राम एक वर्सटाइल इवेंट था, लेकिन आपने उसमें कल्चर को भी रखा था, हमने के हवाले से इतने दशकों से तो ये दबा हुआ था, लेकिन टैलेंट यहाँ कभी खत्म नहीं हुआ। सूफीज्म की जो धारा यहाँ पे थी वो कभी खत्म नहीं हुई। शिविज्म का जो यहाँ पर महत्व है, जो दुनिया जानती है कश्मीर शिविज्म, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आपसी भाईचारे में कोई फर्क पड़ा। हाँ, उग्रवाद ने हमें बीच में कई जगहों पर रोका, काला अध्याय था, लेकिन संकल्प है हम ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से फिर से कश्मीर वैली को एक सुंदर गाची बनाए, और उसका पिलर जो होगा वो तो हमारे समुद्री प्रोग्राम ही होंगे, जिसके माध्यम से हम प्यार मोहब्बत और राष्ट्रवाद वो फिर से जिंदा हो, ये हमारा मकसद है। अच्छा, यहाँ सारी चीजें बदल गई। मैं तो पिछले कई सालों से यहाँ पर आता रहा हूँ, लेकिन आज जो कश्मीर है वो एंटायरली डिफरेंट है। पीपल आर लविंग, हर किसी को वो अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। अलगाववाद, उग्रवाद, इसके लिए कोई जगह ही नहीं। प्यार और मोहब्बत का पैगाम अब फिर से शुरू हुआ है, वो हमने महसूस किया। वी आर स्मेलिंग दैट हियर। भारत फर्स्ट हमारा रहे, यही हमारा मन का संकल्प है, जिसमें हम सब मिलके भारत देश को आगे बढ़ाएं।